हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एमएसके इंजीनियर्स। सो जैसा कि आज हम आपको ट्रबल शूटिंग के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। एक छोटा ट्रबल शूटिंग है, तो हमारा चिलर जो है कंप्रेसर नंबर 2, इसका ट्रिप हो गया था और डिस्चार्ज भी एसआई पे लास्ट टाइम, तो रिसेट किए थे हम लोग चेक करके और क्लीन करके, तो ओके हो गया था। फिर कुछ दिन चला, अभी मैं वापस से इसको चेक किया तो वापस से ये डिस्चार्ज भी एसआई पे ट्रिप हुआ है। तो आज हम आपको दिखाते हैं इसका प्रोसीजर, इसमें कैसा ट्रबल शूटिंग करके चेक करते हैं और फाइंड आउट करते हैं, तो फॉलो करें। हमारा ये डिस्प्ले है, जैसा कि हम आपको दिखाते हैं, ये स्टेटस है। अभी हमारा अदर कंप्रेसर चल रहा है, तो हम पहले आपको मेन मेन्यू में ले जाएंगे और फिर पुश करेंगे डाउन एरो और इंटर करेंगे अलार्म में। तो हम अलार्म हिस्ट्री में इंटर करेंगे, जैसा कि ये एंटर मार के अलार्म में है। तो हमें ये अभी लेटेस्ट अलार्म जो आया है डिस्चार्ज पीएसआई का, ये अभी डिस्चार्ज पीएसआई, ये 2 मतलब कंप्रेसर नंबर 2। अब हम इसको क्या करेंगे, हम वापस से जाएंगे मेन मेन्यू में और मेन मेन्यू में जाके आप एरो पुश करके स्टेटस में जाएंगे, इंटर करके, इंटर प्रेस करके। और अब जैसे देख रहे हैं, यह जितना भी है ये कंप्रेसर 1 का स्टेटस दिखा रहा है, ये कंप्रेसर 1 का स्टेटस दिखा रहा है, देख सकते हैं। और अभी हमको कंप्रेसर 2 का स्टेटस देखना है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। कंप्रेसर 2 लॉकआउट है, आप देख सकते हैं कंप्रेसर 2 लॉकआउट है, सक्शन प्रेशर ओके है लेकिन डिस्चार्ज -99। सो इसका मतलब है कि कहीं सेंसर का इशू है या फिर गैस नहीं भी हो सकता है, वैक्यूम में जाएगा तो भी ऐसा ही आता है। तो हमको पहले एक्चुअल चेक करना है हमारे सिस्टम में गैस है या नहीं। तो हमारा गेज ऑलरेडी लगा हुआ है, आप देख सकते हो ये हमारा कंप्रेसर नंबर 2 है और इसका गेज ये है, ये हमारा डिस्चार्ज प्रेशर गेज है, जैसा कि देख सकते हैं स्टैंडिंग प्रेशर, ये अभी रनिंग नहीं है, ये स्टैंडिंग सक्शन प्रेशर 40 दिखा था ओके है, स्टैंडिंग प्रेशर भी 95 के करीब है। तो इसका मतलब हमारा सिस्टम में प्रेशर है। सपोज दैट ये गेज खराब होता है तो हम एक्चुअल एडिशनल गेज लगा के चेक करते हैं, तो इसका मतलब मैं क्लियर हो गया। इससे पहले भी आया था अलार्म, तो हम लोगों ने क्लीन वगैरह किया जो भी सेंसर वगैरह और जो गैस चेक करके ट्रबल शूटिंग करके रन कर दिए। तो अभी अगेन ये आया है, क्योंकि ये आता है कभी इसका ट्रांसड्यूसर वगैरह है वीक हो जाता है, कभी कॉन्टेक्ट पॉइंट पकड़ता है कभी नहीं, तो ऐसा है। तो अभी हम इसका ट्रांसड्यूसर आपको दिखा सकते हैं, ये हमारा ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, तो अभी हम इसका ट्रांसड्यूसर चेंज करेंगे, उसके बाद हम आपको अलार्म दिखाते हैं, स्टैंडिंग प्रेशर दिखाते हैं क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा डिस्चार्ज प्रेशर ट्रांसड्यूसर है कंप्रेसर नंबर 2 का, इसमें पिन लगा होता है, पिन टाइप का है, आप देख सकते हैं इसमें रस्टेड हो गया है और ओल्ड भी हो गया है बहुत, तो वीक हो सकता है। MCS 500 रहता है, अब ये भी देख सकते हैं इसका। अब हम दूसरा नया लेके आए तो हम लगाएंगे, ये MCS का ही है, MCS का है, MCS का लेके आए, MCS का ही लगेगा इसमें, ये आप देख सकते हैं नया ट्रांसड्यूसर, ये नया ट्रांसड्यूसर है। अभी हम ये ट्रांसड्यूसर लगा के फिर आपको रीडिंग दिखाएंगे कि एक्चुअल रीडिंग अभी अभी क्या है, पहले क्या है। टेफ्लॉन लगाने नहीं, ऑलरेडी टेफ्लॉन लगा हुआ है उधर, तो ऐसा लीक होने का चांसेस भी कम रहता है इधर से। रिप्लेस कर दिया है कंप्रेसर नंबर 2 का, कंप्रेसर नंबर 2 का ट्रांसड्यूसर रिप्लेस हो गया है, ओल्ड वाला निकाला। अब हम आपको रिटर्न दिखाते हैं उसमें जो पहले था, जैसा अभी आप ये देख सकते हैं हमारा कंप्रेसर नंबर 2 है जो कि अभी स्टिल लॉकआउट में है, इसको हम रिसेट करेंगे, लेकिन हमारा स्टैंडिंग 40 सेक्शन था, डिस्चार्ज -99 था, अभी देखिए 77 जो कि वहां पे भी लमसम यही दिखा रहा है, तो हमारा अभी एक्चुअल और 76-77 ये आ गया है। तो यह हमारा डिस्चार्ज प्रेशर, मतलब कि ट्रांसड्यूसर का प्रॉब्लम था, कभी कभी इसका लीड का प्रॉब्लम होता है तो हम लीड भी चेंज करते हैं। तो अभी हमारा क्लियर हो गया ट्रांसड्यूसर लगा के कि ट्रांसड्यूसर का मसला था,
ना कि लीड का। अगर फिर भी यही होता तो हम इसको इसका लीड भी चेक करते हैं डायरेक्ट लगा के। तो अभी आप ये देख सकते हैं, अब हम इसको रीसेट करेंगे, जैसे मेन मेन्यू में जाएंगे और लॉकआउट में जाके, और हम इसको रीसेट कर दिए, वापस से हम स्टेटस में आए और फिर से हम नंबर दो में जाएंगे। अभी कंप्रेसर नंबर वन रेडी है रन होने के लिए, जबकि रन नहीं है, कंप्रेसर नंबर थ्री रन है। अब नंबर टू अभी अभी रेडी हो गया, अभी इधर कोई अलार्म नहीं है, मतलब हमारा ये अभी नॉर्मल हो गया। ये हमारा ट्रबल शूटिंग था नॉर्मल, जो आपको एक्सप्लेन करना था। और ऐसे ही नॉर्मल डिस्चार्ज प्रेशर का आता है तो हम एक्चुअल गेज लगा के और चेक करके, और उसके बाद इसका प्रेशर ट्रांसड्यूसर है जो वो चेक करते हैं। ऐसे ही अदर जैसा सेंसर वगैरह है कुछ, तो प्रोसीजर सबका सेम रहता है, बस समझने की थोड़ी देर है। तो आप इसका स्टार्टिंग कहाँ से करना है, हमको कैसा स्टेप बाय स्टेप चेक कर रहा है, अगर आपको ये मालूम हो गया तो आप इजी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यही ट्रबल शूटिंग था, नॉर्मल था, कुछ खास नहीं, और हम आपको और भी ट्रबल शूटिंग के बारे में बताएंगे। और जैसा कि अभी हमारा ये सिस्टम नॉर्मल हो गया है, कंप्रेसर नंबर थ्री चल रहा है, जिसका प्रॉब्लम था वो हमने चेंज कर दिया ट्रांसड्यूसर, और कभी कभी इसका लीड भी चेंज करना पड़ता है पूरा अंदर से ट्रे खोल के, तो वो भी हम आपको कभी दिखाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।